So now we are continue with the next question, that is question number 7 of the note and question number 3 for today. So we are going to solve third question. हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट हम लोग करने वाले हैं, कुछ ना कुछ अलग होगा. क्वेश्चन रीड करने के बाद ही पता चलेगा कौन सा सेक्शन इसमें अप्लाई होगा. तो पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन. पर्टिकुलर्स दिया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोडिंग ऑफ गुड्स, पैसेंजर बोर्ड. अब गुड्स कहाँ पर लोड हो रहा है, पैसेंजर कहाँ पर बोर्ड हो रहा है, सप्लायर का लोकेशन क्या है, ये नॉन मोमेंट है. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई. तो हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, बोर्ड करते हैं. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब हम गुड्स की लोडिंग करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, जिस जगह पर हम गुड्स को लोड करेंगे, बोर्डिंग करेंगे, दैट द प्लेस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. ओके, सो पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ टेंट एरिएटेड ड्रिंक्स ऑन अ फ्लाइट. फ्लाइट्स में हम लोग जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स सर्व करते हैं, दैट इज अ पर्टिकुलर गुड्स. ये गुड्स है. लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कहाँ रहता है, पंजाब. लोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स कहाँ पर लोड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. लोडिंग ऑफ गुड्स कहाँ पर लोड हुआ, पंजाब. पैसेंजर कहाँ पे उसने चिकन किया है, चिकन किया है, दिल्ली में. सो इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर द पैसेंजर्स आर कमिंग, वी आर जस्ट ओनली कंसर्न अबाउट द गुड्स आर बोर्ड. तो गुड्स कहाँ पर लोड हो रहा है, बोर्ड हो रहा है, पंजाब. तो पंजाब इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई. पंजाब को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, सेकेंड, सेल ऑफ पैकेज्ड स्नैक्स. स्नैक्स हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, पुणे में सप्लायर रहता है. लेकिन गुड्स की लोडिंग कहाँ पर हुई है, गुड्स हमने कहाँ पर शिप में या फिर एरोप्लेन में या फिर हम लोग ने ट्रेन में कहाँ पर लोड किया है, गोवा में. कस्टमर कहाँ पर चढ़ा, हैदराबाद. इट डजेंट मैटर, गोवा में गुड्स लोड हुआ है, तो गोवा इज़ अ प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड द नेक्स्ट इज सेल ऑफ सनग्लासेस. हम सनग्लासेस बेच रहे हैं, मे बी ऑन फ्लाइट. मुंबई में रहता है सप्लायर, गोवा में हमने गुड्स को लोड किया. गोवा में फ्लाइट जब पहुंची तो हमने वहाँ पे सनग्लासेस को लोड किया. कोशी में कस्टमर ने कस्टमर एट डिपार्ट एट कोचिंग, बट इट डजेंट मैटर, वी आर जस्ट ओनली कंसर्न अबाउट द गोवा, बिकॉज गोवा इज अ लोडिंग प्लेस. एंड द नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ टॉयज. हम लोग खिलौने भी बेच रहे हैं वहाँ पर. लखनऊ में सप्लायर रहता है, गुजरात में हमने लोड किया. गुजरात के जो फ्लाइट गुजरात आई, तो हमने गुजरात में वहाँ पर उसको लोडिंग किया. बिहार में कस्टमर बोर्ड करके खरीद रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी खरीदे, कहीं भी बोर्ड करे हो. गुड्स कहाँ पर लोड हो रहा है, गुजरात. तो गुजरात इज अ प्लेस ऑफ सो तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन. So I am requesting everyone kindly refer all the questions, because whatever questions I solve today, it is most important question for exam point of view. ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बस आप conditions याद रखें. अगर आपको conditions पता है तो you can easily solve the question within a 2 or 3 minutes. Okay, thank you everyone. So today we are ending this questions, and tomorrow we will come up with the other one. Okay, thank you.